नेताओं को नए साल पर योगी सरकार गिफ्ट देने जा रही है और इसके संकेत खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए। योगी सरकार जल्द ही नेताओं और जनप्रतिनिधियों पर जल्द वैसे मुकदमों को वापस लेने की तैयारी कर रही है जो उन पर आंदोलन और धरना प्रदर्शन के दौरान किए गए थे। सरकार ने करीब 20,000 ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की है जिन पर राजनीतिक चरित्र के मुकदमे वर्षों से दर्ज हैं और उन्हें बेवजह अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं। ऐसे मामलों को हटाने के संकेत योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा सत्र के दौरान यूपी कोका बिल पर बहस के समय ही दिए थे। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले सत्र में योगी सरकार तकरीबन 20,000 लोगों पर दर्ज राजनीतिक मुकदमों को वापस ले सकती है। प्रशासनिक स्तर पर इस प्रस्ताव की तैयारी भी पूरी की जा चुकी है। विपक्ष इसकी मुखालफत कर रहा है मगर सरकार का दावा है कि ऐसे 20,000 लोगों में सभी दलों के लोग शामिल हैं जिन पर किसी न किसी धरना प्रदर्शन या आंदोलनों के वक्त के मुकदमे हैं और मुकदमे जारी रहने से उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। सरकार का मानना है कि 20,000 लोगों को राहत देने से राजनीति में स्वच्छता आएगी क्योंकि हटाए जाने वाले दर्ज मुकदमे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक होंगे, गंभीर और आपराधिक केस के मुकदमे नहीं हटाए जाएंगे। हालांकि विपक्ष के मुताबिक इसकी आड़ में योगी सरकार अपने उन कार्यकर्ताओं और नेताओं के मुकदमे वापस लेगी जिनकी वजह से कानून व्यवस्था खराब होती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।